यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस यहां पर स्वागत है आप सभी लोगों का एके टेक्निकल पॉइंट की हमारी नई और ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमें जो एक गाड़ी मिली थी जो हम बैलास के पास गए थे, और बैलास के पास जाने के बाद हमें बुलेट प्रूफ व्हीकल मिला है दोस्तों, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों काम आ रहा है। और जिसको भाई मैंने यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी इसकी मैंने पूरी कंप्लीट यहाँ पर करवा रखी है। ग्रीन कलर का मैंने इसको बनवा लिया था। मैंने सोचा आगे चल के ना ये बहुत ही ज़्यादा मिशंस वगैरह में हमारे जो है दोस्तों काम आने वाला है। यार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम भी आया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर बिच्छू गैंग के यार दोस्तों हमने जो है एक बिगेस्ट माफिया की यहाँ पर जो है भाई रेड वगैरह हो रखी थी हमने यार दोस्तों, वो भी किया, ठीक है ना। और उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज उन्होंने जो की थी, हमने उस पार्टी पर भी यार यहाँ पर पूरा का पूरा भाई जो है पानी फेर दिया। तो भाई पानी फेरने के बाद अब दोस्तों वो बस यार यही कहने के लिए रह गए, भाई तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और वो माफिया भी सोच रहा होगा कि भाई उसने यार किससे पंगा ले लिया। ये GTA 5 का एक जाना माना लॉस सैंटोस के हम एक जाने माने गैंगस्टर हैं, और उस बंदे ने हमसे ही पंगा लिया। ये दोस्तों बात उस हमें कुछ हजम नहीं हुई है। तो आज फाइनल एपिसोड है आज के, इसमें जो है हम भाई नताशा जी को भाई बचा कर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलो अभी तो गाइस मैं फिलहाल जो है माइकल दादा के पास जा रहा हूँ, माइकल ट्रेवर हम तीनों जो भाई मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आज हम जाएंगे दोस्तों लेस्टर के पास, क्योंकि लेस्टर ने हमें बुलाया है। और मैंने अब इस चीज़ के बारे में पहले मैंने लेस्टर को नहीं बताया था कि भाई नताशा जो मेरी हैं उनको ऐसे मतलब किसी ने पकड़ लिया है बिच्छू उच्छू गैंग ने, तो लेस्टर को अभी तक नहीं बताया था। अभी जब मैं लेस्टर को बताता हूँ तो कह रहा है कि मुझे पहले बताता, अब इससे पहले मैं तेरे को लोकेशन निकाल के दे भी देता। तो यार फाइनली गाइस अब तो हमने लेस्टर को बता दिया, तो लेस्टर भाई अपनी उसने प्रॉब्लम समझी और कह रहा है भाई कि मैं सब कुछ कर दूंगा। यार ये ट्रक ना इतना खतरनाक है, कोई एकदम गाड़ी इसके सामने आती है ना उसकी ऐसी तैसी कर देता है, इतना भयंकर है। फुल टू ऑफ रोड है यार ये, मेरे को बात बहुत ही अच्छी लगी। हट, रेंज रोवर को भाई कैसे ठोका इसने, अभी रेंज रोवर को देख रहा भाई ने कैसे ठोका, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों, एकदम ओपी ओपी, जिसको कहते हैं ना एकदम ओपी है वही चीज़ है दोस्तों। और मेरे को तो यार बहुत ही ज़्यादा भयंकर लगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है भाई, हर चीज़ में परफेक्ट है, किसी भी चीज़ के अंदर इसने अभी तक कोई मार वगैरह नहीं खाई है, ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है। तो चलाते रहो, मज़ा आ रहा है यार फिलहाल चलाने में तो इस ट्रक को। चलो बढ़िया, चलो इधर से मोड़ो, अरे आराम से आराम से आराम से, अरे भैया क्या कर रहे हो। चलो और बस इधर से हम गाइस पहुंचने ही वाले हैं माइकल दादा घर। एंड दोस्तों माइकल दादा घर में इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी पहले माइकल के घर ही आए हैं, और माइकल मैं और ट्रेवर तीनों मिलकर जो है वहाँ जाने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। अभी ट्रेवर जो है एक बीच के पास ही उसके एक दोस्त का घर है, वो वहीं पर रह रहा है अभी, वो हमें जो है यहीं पर आगे कहीं ना कहीं तो दोस्तों मिलेगा ही। तो चलो मैं माइकल को फटाफट फोन करके बुलाता हूँ, घर में बुलाऊंगा तो चाय नाश्ते के लिए भाई टाइम लगा देता है। माइकल दादा यार जल्दी आओ, एक तो घर के यहाँ पर तुम बैठे रहते हो, हाँ जल्दी आओ, एक तो यहाँ जाम लगा रखा है दोस्तों। मैंने थोड़ा मेन गेट से आगे कर लिया क्योंकि अमांडा जी अगर देख लेती तो माइकल दादा ने गैंगस्टर वाला बिजनेस भाई छोड़ रखा है ना अभी फिलहाल, तो अमांडा होती तो भाई वो फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलती, अभी मशीन गन ही संभालेंगे मुझे पता है। माइकल दादा आजकल आपका इसी में दिल लग रहा है भाई साहब, माइकल दादा का ना इसी चीज़ के अंदर दिल लग रहा है यार, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा मशीन गन वगैरह चलाने लग गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। अभी दोस्तों जो हमने एक डुप्लीकेट मोटरसाइकिल मंगवाई थी वो तो डिस्ट्रॉय कर दी है, बट बिच्छू गैंग के जो मेन उनका बॉस है उस तक जो है अभी ये खबर दोस्तों पहुँची नहीं है, ठीक है। अभी उस तक ये खबर इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि बालास जितने भी वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे मैंने सबको मार दिया था और उनकी गाड़ी चुरा ली थी ये वाली दोस्तों, तो इसी वजह से अभी तक उनके पास तक ना ये खबर पहुंची नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि उनके पास तक अभी दोस्तों ये खबर पहुंची नहीं है, वरना अगर पहुंच जाती तो भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भाई ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती थी, ठीक है ना। अभी तो चलो, अरे अरे आराम से आराम से आराम से भाई, बुलेट प्रूफ ट्रक है, बॉम्ब प्रूफ ट्रक है, तो क्या तुम इसके साथ कुछ भी करोगे क्या, आराम आराम से चलाओ दोस्तों। और भाई मैं, ओ भाई साहब देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो दोस्तों कैसे कैसे चलाते हो भाई साहब, माइकल दादा ने बंदूक के देखो कैसे चला रखी है भाई साहब, एक गाड़ी की हमने ऐसी तैसी कर दी, आग लग गई भाई कार को, पर हमारे ट्रक को तो भाई कुछ भी नहीं होगा, हट जा, हम तो आग से लड़ने वाले खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी को कहाँ कुछ होता है यार। अभी ये तो सामने वाली गाड़ी, ओ भैया अरे हट हट, तेरी तो रेंज रोवर की दोस्तों, हमने पूरे शहर में भाई तबाही मचा रखी है दोस्तों ट्रक से। खैर दोस्तों ट्रक ही एक अपने आप में एक तबाही चीज़ है, अपने आप में ये जो ट्रक है दोस्तों एक तबाही चीज़ है, और वाकई में दोस्तों इसने तबाही मचा ही रखी है।
तो चलो अभी तो हम सबसे पहले ट्रेवर के पास जा रहे हैं। ट्रेवर यहीं पर कहीं पर बीच के पास वाले ही वहाँ पर अपार्टमेंट में रह रहा है, तो यहीं आगे वो हमसे जो है दोस्तों मिलने वाला है। अरे ट्रेवर भैया किधर हो रे, किधर हो, बहुत देर से घुमाया तुम। अरे आ गए क्या? हाँ हाँ। तो गाइस ट्रेवर जो है सामने मेट्रो का आप स्टेशन देख पा रहे हैं, इसमें से आया है। तो माइकल दादा ऊपर है, तो चलो आओ जल्दी बैठो यार, फिर बाद में और बातचीत करेंगे। जल्दी से अभी तो जाना है ना, ये काम करते हैं पहले। मर्जी है तुम्हारी, कहीं भी बैठ जाओ, माइकल दादा तो चलाएंगे, तुम देख लो जहाँ तुम्हारा मन है उधर बैठ सकते हो। माइकल दादा तो ऊपर एक चेयर बना रखी भाई, इसके अंदर बैठ गए हैं। और अब हम यहाँ पर गाइस जो है गवर्नमेंट गारमेंट फैक्ट्री है, गवर्नमेंट नहीं है, गारमेंट फैक्ट्री जा रहे हैं लेस्टर के पास, क्योंकि लेस्टर ही बताने वाला है इस चीज़ के बारे में, लोकेशन वही निकाल कर देगा। नताशा जी का फ़ोन, लास्ट लोकेशन कौन सी थी नताशा जी के फ़ोन की, लेस्टर जो है वो ट्रेस करने की कोशिश करेगा और देखेंगे। अरे भैया हट जाओ ना, तुम लड़ नहीं सकते हमारे ट्रक से। और लेस्टर जो है वो लास्ट लोकेशन दोस्तों निकालने कोशिश करेगा, और अगर लेस्टर निकालने में कामयाब हो जाता है तो हम अपनी नताशा जी तक दोस्तों हमें पहुंचने से जो है कोई भी नहीं रोक सकता है, नताशा जी तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये चीज़ तो भी वहीं पर जाके पता चलने वाली है कि कितनी दूर अपनी नताशा जी होने वाली है और क्या कैसे होने वाला है दोस्तों, है ना। चलो आराम से। अरे भैया हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मुझे लगता है ना, मुझे अपना ट्रक ना नीचे खड़ा कर देना चाहिए इसके नीचे। यहाँ पर करेंगे ना तो भाई किसी को दिखेगा भी नहीं। आई मीन हमने पहले मिशंस वगैरह के अंदर ना यहीं पर दोस्तों खड़ा किया है ट्रक, तो भाई किसी को पता भी नहीं चलता, वरना तो यार यहाँ के बंदों को पता चल जाता है दोस्तों, है ना। तो चलो फटाफट, और हम चल रहे हैं लेस्टर के पास, और लेस्टर से जो है फटाफट लोकेशन निकलवाते हैं उस जगह की, लास्ट लोकेशन क्या है। अरे आंटी जी आई हुई हैं, क्या बात है। तो यो गाइस यहाँ पर भाई लेस्टर जो है अपना काम कर रहा है, और मेरे ख्याल से तो अभी यहाँ पर जो है भाई थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही लेस्टर को पूरी लोकेशन यहाँ पर जो है ट्रेस करने में। तो भाई लेस्टर तो लगा हुआ है, खैर मैं इसको भाई डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, अभी आज उल्टा सीधा बैठा हुआ है भाई चेयर के ऊपर, कोई बात नहीं। और ये उसके जो पूरे के पूरे दोस्तों प्लानिंग रूम वगैरह है, अभी जो मैं जो है कुछ भी हाइस्ट वगैरह जो है नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम जो है बाद में ही करने वाले हैं, अभी डायमंड कैसीनो वाले करूँगा। और यहाँ पर भाई लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री में जो है भाई कपड़ा सिलता है, तो यहाँ पर गारमेंट्स वगैरह सिले जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है लेस्टर का क्या बिजनेस है, तो भाई वो ये वाला बिजनेस भी जो है एज अ साइड बिजनेस के तौर पर दोस्तों जो है करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया है। एज अ साइड बिजनेस के तौर पर लेस्टर ये काम कर रहा है, तो भाई इसमें बुराई क्या है ना दोस्तों, इस चीज़ के अंदर भाई कोई भी बुराई नहीं है अगर लेस्टर इस एज अ बिजनेस के तौर पर ही जो काम कर रहा है। और अभी तक लोकेशन भाई ट्रेस जो है नहीं की गई है। लास्ट जब मैंने नताशा जी को फ़ोन कॉल किया था, और जो बिच्छू गैंग के जिस भी नंबर से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आई, मैंने सारे के सारे जो नंबर हैं लेस्टर को बता दिए, तो लेस्टर अभी जो है लोकेशन ट्रेस कर रहा है। और मेरे ख्याल से भाई जो भी लोकेशन होने वाली है ना भाई, ये दूर की होने वाली है, क्योंकि ये लेस्टर ने पहले ही बोला कि जो लोकेशन होगी दूर की होगी, आसपास की तो यार ये होने ही नहीं वाली है। तो मैंने कहा हाँ भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि आसपास अगर वो नताशा जी को रखते ना, तो यहाँ पर भाई किसी ना किसी बंदे को तो पता ही होता। अभी देखते हैं लेस्टर को यहाँ पर कुछ सबूत वगैरह मिलता है, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच माय डियर लेस्टर, थैंक यू सो मच। तो गाइस यहाँ पर भाई लेस्टर ने हमें बताया है कि एक लोकेशन है, लास्ट बार जब नताशा जी का फोन जहां पर ले जाके स्विच ऑफ किया गया था, और जो मेरे पास कॉल्स आ रही थी वो भाई कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो प्राइवेट नंबर से आ रही थी। तो लेस्टर के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि वो प्राइवेट नंबर से आती हुई कॉल्स को भी जो है दोस्तों ट्रेस कर सकता है, ट्रेस एक ही बात है। बट दोस्तों यहां पर एक प्रॉब्लम है, जिस जगह पर वो है भाई वो एक आइलैंड है, और एक आइलैंड पर इस कार को ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेस्टर कह रहा है कि तुम्हारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट वहां पर होने वाली, तो होशियार रहना और होशियारी से ही काम करना, क्योंकि अगर तुम्हारा एक भी गलत कदम हुआ ना, नताशा जी भी जाएंगी, तुम तीनों भी जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट अगर तुम वहां पर सब कुछ सबको मार देते हो, उसके बॉस को मार देते हो, तो तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि उस बंगले में बहुत सारा पैसा पड़ा है एक आइलैंड के ऊपर। बिच्छू गैंग वालों ने जो बॉस है उसने यहां पर घर बना रखा है, वो तो अभी गाइस वहीं पर जाकर पता चलने वाला है। अभी सबसे पहले लेस्टर का ही कहना है कि वहाँ पर जाने से पहले तुम यहाँ पर गन्स वगैरह खरीद लो। गन्स वगैरह लेने के बाद और आज जाओ तुम सिर्फ एक बार उस लोकेशन को देखने, और कल अटैक करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई लेस्टर, जैसे कि तुम बोल रहे हो मैं वैसे के वैसे ही करूँगा, और मुझे फोटोज़ वगैरह वहाँ के खींच के लाने, जो कि मुझे लेस्टर को देने होंगे। तो चलिए गाइस हम चलते हैं। लेस्टर तो भाई अपना यहीं पर है, और मैं माइकल दादा और हम तीनों जो दोस्त जाने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अब जो है भाई मज़ा आएगा, हम भी देखेंगे भाई कितना वो होने वाला है। चलो आ जाओ,
आ जाओ। मेरे ख्याल से हम जो है इसी गाड़ी के वहाँ तक का सफ़र तो इसी गाड़ी में करने वाले हैं, और दूसरे जो होगा वो हम आगे से करेंगे। ट्रेवर गाइज नहीं जा रहे, ट्रेवर जो है आई मीन यहीं पर होने वाला है, या जाएगा ट्रेवर, मर्जी है उसकी यार, देख लो वो आया नहीं रहा है, वो ऊपर ही है अभी, उसका मेरे ख्याल से मन नहीं होगा जाने। कोई बात नहीं, हम तीनों ही चलते हैं, हम दोनों ही चलते हैं अभी। तो सबसे पहले गाइज मुझे गन शॉप लेनी होगी, किसी भयंकर सी गन वाली दुकान पे। बेसिकली पहले मेरे को आर्मर वगैरह भाई फुल टू करना है, ठीक है, आर्मर वगैरह सब कुछ, सारी की सारी गन मेरे को फुली रिलोडेड चाहिए। और दोस्तों फुली अपग्रेडेड गन का फ़ायदा ये होता है कि हम जो हैं भाई उससे एक ये कर सकते हैं कि बचा सकते हैं सामने वाले को। और फुली जब अपग्रेड गन हमारे पास होती है ना, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा हथियार पास होता है, बस दोस्तों ये समझना चाहिए। और ये गाड़ी भी एक फुली रोडेड गन है, बट दोस्तों ये वहाँ तक जा ही नहीं सकती है, हम लड़ेंगे कैसे? अभी उस लोकेशन पर जाकर पता चल जाएगा, है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाएगा वहाँ पर जाकर। अभी तो चलते हैं और ये पता चल जाएगा कि नताशा जी हैं वहाँ पर या नहीं है। ओ भैया माइकल दादा क्या हो रहा है, बार बार इधर उधर उठ के क्यों बैठ रहे हो? ओए माइकल दादा भाई, इस गाड़ी में दोस्तों पता है कितने बंदे बैठ सकते हैं? इस गाड़ी में 4, 4, 8, 9 बंदे बैठ सकते हैं इसमें भाई, 9 बंदे बैठ सकते हैं आराम से, 9 बंदे बैठेंगे इसके अंदर। अरे यार एक तो यहाँ, अरे भैया नीचे वाले रोड पे जाना है मुझे, नीचे वाले कट से जाना था मैं फालतू में, और ऊपर वाले कट से आ गया। चलो हटो, अरे भैया हट जाओ यार, डरे भाई जिम कर रहे हैं, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, चलो। अरे हट चल। तो गाइज हम आ गए फाइनली इस लोकेशन पर, और गाइज मुझे यहाँ से जो है भाई गन्स वगैरह बहुत ही भयंकर वाली अपग्रेड करवानी है, अपनी सारी बंदूकों को अपग्रेड करवाने के साथ साथ मुझे आर्मर्स वगैरह भी लेने हैं, सब कुछ भाई फुली लोडेड लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आर्मर, ओके ठीक है, ये हो गया, ओके। तो यहाँ पर जितनी भी गन्स दोस्तों होने वाली है, इनके पास जितनी भी है सारी की सारी गन्स है, मैं सारी की सारी जो है अपग्रेड करवाने वाला हूँ। अभी तो रुक जाओ, पहले तो हम इनका ये वाला रूम तो भाई बंद हो रखा है। माइकल दादा एक बार ज़रा बाहर आना यार, एक बार बाहर आओ, पहले मुझे ना एक बार इसको ना रिलोड करके देखनी होगी सारी की सारी गन्स, आई मीन कैसे वर्क कर रही हैं। तो गाइज स्नाइपर को मैंने जो है एकदम ऐसे जो करवा रखी है, ठीक है, और यहाँ पर अपनी ये वाली जो गन्स हैं काफ़ी भयंकर हैं दोस्तों। और खैर ये जो अपग्रेडेशन है तो हम बाद में भी जो है कर लेंगे, तो चलो सबसे पहले तो अपनी ट्रक के अंदर बैठते हैं। आओ माइकल दादा, मेरे को पूरी की पूरी भाई गन्स वगैरह सारी की सारी अपग्रेड चाहिए थी, अब वो हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ से बस ज़रा सा ही काम था भाई, एकदम बंदों के ऊपर तो ऐसे गाड़ी चढ़ती है बस यार, क्या बताऊँ। अब दोस्तों फाइनली यार हम मैं लेस्टर को बोल के जो है नेविगेशन पे जो है उसका जो है रडार पे जो है मार्क लगवा देता हूँ कि नताशा जी को उन्होंने कहाँ पर किडनैप कर रखा और किस कौन सी जो है लोकेशन वो होने वाली। तो चलिए गाइस हम फिर फटाफट ना उसी लोकेशन पर चलते हैं। यो गाइस आप सभी लोग अभी देख रहे होंगे यार, अभी तो आरिश भाई आप जो है शहर की गलियों में चल रहे थे, इतनी जल्दी आप यहाँ पर गांव में कैसे गए? तो दोस्तों हम जो है गांव में इसलिए आए क्योंकि भाई यहीं से होकर जो उस जगह का भाई रास्ता जाता है, और वो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। और हमें ना अपनी टीम को एकदम नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करके तब लेकर जाना पड़ेगा दोस्तों वहाँ पर, ठीक है ना। और वहाँ पर बंदे दोस्तों बहुत ही सारे होने वाले हैं, बहुत सारे बंदे होने वाले हैं, पर कोई बात नहीं, हमें पता तो चल ही जाएगा ना। अरे आराम से आराम से आराम से ट्रक को आराम से चलाओ, ये जो भाई जगह बहुत ही ज़्यादा आई मीन दोस्तों खतरनाक है जगह, तो देख लो भाई आप एक बार, आपको ये जगह देखने में कैसी लग रही है भाई, एकदम खतरनाक सी लग रही है या नहीं लग रही? भाई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है दोस्तों अभी। अरे यार मुझे अगले वाले कट से जाना था, ये पुली वाले कट लेना था मेरे को, बिल्कुल सीधा वो आइलैंड होने वाला है, और उस आइलैंड के आस पास ही एक बहुत ही बड़ा सा मेंशन बना रखा है, वो सबको पता है, अभी पता चलेगा मेरे को भाई वो बिच्छू गैंग वालों का आइलैंड है। पहले यार दोस्तों मेरे को भी नहीं पता था, और मैंने कहा ना गन अभी मतलब बैठो ही मत गन वाली जगह पर, कभी कोई गोली वोली मार दे माइकल दा तुम्हारे, इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठो, अगर किसी को शक भी होगा ना तो हम भाग सकते हैं वहाँ से, है ना दोस्तों। गन्स वगैरह तो मुझे जो जो लेना था गाइस वहाँ पर सब कुछ मैंने ले लिया है। चलो भाई भयंकर, चलो चलो चलो। एक तो यार यहाँ पर ऑफ रोडिंग करते हुए आई मीन गाड़ी को मज़ा तो आ रहा है, पर दोस्तों बात तो वही है ना कि ऑफ रोडिंग करते वक्त एक ऑफ रोडिंग व्हीकल भी होना चाहिए, और ये ऑफ रोडिंग व्हीकल इतना भयंकर है बस क्या बताऊँ मैं, एकदम मज़ा आ रहा है दोस्तों। डुअल जंगल तो उसकी स्पीड लिखी भी आती है, भयंकर बढ़िया। चलो एकदम ही ओपी है, एकदम ओपी है। यहाँ से सामने वाली एक जगह का जो है दोस्तों कट जो है निकलता है उधर से, और वो रहा देखो दोस्तों मेंशन, आप सभी लोग यहाँ से देख पा रहे हो, वो रहा मेंशन, आप सभी लोग यहाँ से देख पा रहे हो, बिल्कुल हमारे दोस्तों सामने ही है।
जहाँ बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, सबको पता है इस जगह के बारे में। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि गाड़ी को मुझे अपनी यहीं पर लगाना चाहिए। आराम से गाड़ी हम यहाँ पर लगा देते हैं। बढ़िया, तो फाइनली हम स्नाइपर से तो आ गए हैं। ओके, तो वहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी है और पूरा का पूरा ऑफिस दिख रहा है। मुझे लगता है बैक साइड में कोई नहीं होने वाला है। मुझे लगता है दोस्तों बैक साइड में कोई नहीं होने वाला है। मुझे लगता है ना हमें थोड़ा नीचे जाना चाहिए, और अगर हम नीचे जाकर देखते हैं ना तो शायद वहाँ से जो है एक व्यू दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतर आए। ठीक है, क्योंकि जिस व्यू की हम तलाश में, भाई ऊपर से तो आ नहीं रहा है मेरे ख्याल से, वो नीचे से ही आएगा। चलो माइकल दादा जल्दी आओ, माइकल दादा भाई आ रहे हैं। और ये एक भाई आराम आराम से ऐसे चलना पड़ रहा है इस वाले के ऊपर, क्योंकि भाई पुराने ज़माने का लकड़ी का पुल है भाई, और ऐसे लकड़ी के पुल के ऊपर तो भाई चलना भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा वो है। मुझे ऐसा लगता है ना हमें तैर तैर कर दोस्तों ना सामने वाले आइलैंड तक जाना चाहिए। सामने वाले अगर आइलैंड पर हम जाएंगे ना, ये प्रॉपर्टी बिकने के लिए खड़ी है। अगर हम यहाँ से दोस्तों ये वाला एक आइलैंड है, इससे उस सामने वाले आइलैंड पर जाते हैं तैर तैर कर, तो हम फ्रंट का देख पाएंगे, यानी कि सामने से सब कुछ कैसा है ना दोस्तों, ये सब कुछ देख पाएंगे, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। चलो माइकल दादा जल्दी आओ, वैसे पानी भी ज़्यादा गहरा तो है नहीं, आ जाओ हम जल्दी जल्दी से पहुँच ही जाएंगे। तुम जल्दी आओ माइकल दादा, बस तुम साथ दे दो यार यहाँ तक, या फिर देख लो माइकल दादा को तैरना नहीं आता है। कोई बात नहीं, तुम रुको। अरे माइकल दादा जरसी भी आवाज़ मत करना, ट्रेवर तू भी मत करना। तो गाइज यहाँ पर भाई जैसे ही मैं तैरा, ट्रेवर दूसरी गाड़ी में यहाँ पर आ गया, कह रहा भाई मेरा भी जाने का मन था, तुम एकदम वहाँ से निकल गए, मैं सुसु करने गया हुआ था। मैंने कहा अरे यार चल कोई बात नहीं, तो ट्रेवर तो भाई तैर कर आ गया। खैर माइकल दादा को भी साथ लेकर आया, कह रहा है कहीं नहीं तुम डूबने वूबने वाले, मैं बचाऊंगा। तो मैंने कहा आ जाओ यार। तो गाइज हमें बहुत ही आराम आराम जाना पड़ेगा, हम पीछे से भाई पीछे वाले रस्तों से तैर तैर के आई मीन आराम आराम से यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ से बंदे जो है दोस्तों विजिबल हो पा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, देख रहे हो दोस्तों यहाँ से सारे के सारे जितने बंदे हैं ना भाई, उनके बॉडीगार्ड्स हैं वो सारे के सारे दिख रहे हैं दोस्तों। इन्होंने पूरे के पूरे आइलैंड को दोस्तों पूरा का पूरा भयंकर बनवा रखा है भाई, पूरे के पूरे आइलैंड पर बंदे हैं, पूरे के पूरे आइलैंड पर बंदे हैं, पूरे के पूरे आइलैंड पर ही बंदे हैं दोस्तों। इतने सारे बंदे यार, एकदम समझ ही तो नहीं आ रहा है। क्यों भाई तुम्हारी समझ में आ रहा है? पीछे वाले रास्ते से आओ, कह रहे हो दूसरी तरफ देख रहे हैं इसलिए इनको जो है हम दिख नहीं रहे शायद, या इतनी दूर तक की इनकी नज़र नहीं होगी। पर भाई बहुत ही सारे खड़े हैं, बहुत सारे बंदे हैं दोस्तों, बहुत ही सारे बंदे हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि हम इतने बंदों को एकदम पछाड़ पाएंगे, हमें भी एक टीम अप की ज़रूरत होने वाली है। और बंगला भी दोस्तों बहुत बड़ा है, दूर से ही बहुत छोटा लगता है पर पास से तो बहुत बड़ा है। जैसे हिसाब से लेस्टर ने बोला था मुझे छोड़ी, यहाँ पर घास के अंदर तो हम छुपे हुए हैं, घास के अंदर छुपने से भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आराम से मैं जो है बंदों की फ़ोटो लेता हूँ, कितने सारे बंदे दोस्तों यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है ना। इधर की और इधर की भी लेता हूँ, भयंकर दोस्तों बहुत ही बड़ी लोकेशन होने वाली है दोस्तों, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो गाइज हमने जो है यहाँ पर फोटोज़ वगैरह लेने थे, हमने वो तो ले लिए हैं, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और लेस्टर के पास लेकर चलते हैं दोस्तों ये सारे फोटोज़। और भाई लोकेशन का तो हम पता चल गया, हमारी जो नताशा जी है ना वो इसी घर के बेसमेंट में या फिर पता नहीं किसी कमरे में भाई जो है कैद होने वाली है, जहाँ तक भाई मुझे ऐसा लगता है। आपका इस बारे में क्या कहना है आप प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके जोर से बताना। हम जो है बाकी बात जो है लेस्टर के पास पहुँच कर जो है दोस्तों करते हैं। आ जाओ भैया जल्दी आओ, अंदर को तैर तैर करो भाई। समुंदर तल यहाँ से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा दिखता भी है, पर दोस्तों यार जब से नताशा जी गई है ना मुझे तो यार कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सच बता रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं माइकल दादा, टेंशन किस बात की है, हम बदला तो इनसे लेंगे ही, ये कुत्ते कब तक जीतेंगे हमसे। चलो तुम गाड़ी में बैठो फटाफट, जल्दी आओ यार माइकल दादा, गाड़ी में बैठो आ जा। ड्राइवर तू भी ड्राइवर भाई दूसरी गाड़ी में आया होगा, पता नहीं कौन सी गाड़ी में आया होगा, या मेरे ख्याल से टैक्सी वैक्सी में आया होगा। तू चलाएगा गोलियाँ, चल तू चला ले, तूने चला कर नहीं देखी है, देख ले। तो गाइस कह रहा है यहीं से बंदे मार दो दोस्तों, इतनी दूर से देखो बंदे भी नहीं दिख रहे जो वहाँ पर खड़े हैं, पर भाई कोई बात नहीं, हम इन सब का एक एक करके हिसाब चुट्टा करेंगे दोस्तों, सब का सबसे हिसाब लिया जाएगा यार। पर यार दोस्तों क्या करूँ, जब नताशा जी जब से गई है ना यार, कि ना किसी चीज़ में कोई काम में कामयाबी भी नहीं मिल रही है, और एकदम ऐसा लगता है कि भाई फ्रैंकलिन की भाई किस्मत से रुक गई है नताशा जी के जाने से, सच बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसा लगता है कि नताशा जी के जाने से ना फ्रैंकलिन की भाई किस्मत भी चली गई हो सच में, पर कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम नताशा जी को बचाने से ज़्यादा दूर नहीं है बस भाई।
बस यार लेस्टर भैया एक अच्छा सा मास्टर प्लान तैयार करे ना कि हम कैसे कैसे करके क्या करने वाले, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। अगर लेस्टर भैया कुछ भी ऐसा प्लानिंग जो है तैयार करते हैं तो भाई कसम से दोस्तों बता रहा हूँ मज़ा ही आने वाला है। पर वो तो वहीं पर जाकर पता चलेगा ना कि क्या प्लानिंग होने वाली और कौन सी क्या प्लानिंग नहीं होने वाली दोस्तों, है ना। चलो फटाफट फटाफट आराम से आराम से आराम से भैया, इतनी तेज़ी क्या ही अपना रहे हो, आराम से भी तो काम हो सकता है। अरे आराम से, हाँ बढ़िया। चलो इधर को निकालते हैं गाड़ी हम, बढ़िया बढ़िया आराम आराम से। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो भाई कुछ ज़्यादा ही एकदम वो हो जाता है ना, आराम आराम से चलते हैं बस। ओ भाई, एक तो पत्थरों वाला इलाका ही दोस्तों इतना ज़्यादा खतरनाक है, क्या बताऊँ। अरे नहीं माइकल दादा वो बात नहीं है, कुछ और ही बात है। अरे हट जाओ यार, ड्राइवर देखो कहाँ बैठा हुआ है। चलो तो गाइस फाइनली हम जो भाई पहुँचने वाले हैं, और हम बस पहुँचने ही वाले हैं। तो जो लेस्टर होने वाला है वो हमारा जो है आर्केड में वेट करेगा, उसने कहा था। ये आ गए हम आर्केड। चलो गाड़ी ट्रक को जो है हम इधर ही लगा देते हैं। चलो बढ़िया, लेस्टर जो है आर्केड में वर्क हमारा जो इंतज़ार वगैरह कर रहा है। तो अब मैं जो गाइस आर्केड इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई आर्केड जाने में ही दोस्तों फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और ये है हमारा एक वाइडी डोज दून आर्केड। पर यार बताऊँ क्या, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आर्केड में तो हम आ जाएंगे, ठीक है ना। पर जो मैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देने वाला था तब मैंने उसको मेल किया था, पर यार अभी लेस्टर को यहाँ पर आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। और एक हम उधर, चलो यार पहले गवर्नमेंट फैक्ट्री जाकर उसे वही देते हैं, गारमेंट फैक्ट्री जाकर, है ना, बाद में करेंगे आर्केड वाला काम। आर्केड में दोस्तों हमें ना कुछ काम है जो कि हम करने वाले हैं, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा वो, ठीक है ना। चलो हम पहले जाकर उसको सामान ही देते हैं वरना फिर भूल ही जाएंगे यार। पहले उसने बोला था कि आर्केड में वेट करेगा, पर आर्केड का तो ताला लगा हुआ था। चलो इसको यहीं पर खड़ा कर दो फिलहाल, तो फिलहाल यहीं पर खड़ा कर दो, बाद में देखेंगे जो भी होगा। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो गाइस यहाँ पर भाई हमने जो है सब कुछ दे दिया है, और जो फ्रैंकलिन है बहुत ही ज़्यादा उदास है यार नताशा जी के लिए। तो मैंने तो भाई इसको यही कहा है कि भाई ऊपर वाले पर भरोसा रख, और नताशा जी को हम नेक्स्ट एपिसोड में भाई जो है दोस्तों वहाँ से जो है फरार कर ही लेंगे। हाल फिलहाल दोस्तों कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर जो है लेस्टर को जो है सारा का सारा सामान जो है दे दिया, फोटो वगैरह जो भी इसने मंगवाई थी और जो इसने वेपन्स वगैरह बोले थे वो हमने हैवी आर्मर वगैरह सब कुछ परचेज कर लिया है। अब देखते हैं भाई यहाँ पर लेस्टर क्या प्लानिंग करता है, यहाँ पर क्या इसकी मास्टर प्लानिंग होती है, और कैसे हम नताशा जी को बचा पाते हैं भाई उन बंदों के चंगुलों से, ठीक है। वो तो दोस्तों आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड को किसको किस किस को बेसब्री से इंतजार, एक बार कमेंट करके जोर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों आप प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड ऑब्वियसली यार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।